आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है दिल्ली में। पोल्यूशन से लड़ने के लिए, अपनी हवा साफ करने के लिए आज दिल्ली में देश का सबसे पहला स्मोग टावर लगाया जा रहा है। ये अपने आप में नई तरह की तकनीक है। आज तक देश में ऐसा टावर कभी नहीं लगाया गया, इस तरह से हवा साफ करने का प्रयास कभी नहीं किया गया। इस तकनीक को अमेरिका से हम लोगों ने आयात किया है। इस टावर में ऊपर से 24 मीटर ऊंचा टावर है ये, और ऊपर से आसपास 1 किलोमीटर के दायरे की हवा ये सक करेगा और फिर उसको साफ करेगा, और नीचे से जो पंखे हैं वो हवा नीचे आके और नीचे से ये हवा जो है वो रिलीज करेगा। और इसकी कैपेसिटी जो है वो लगभग 1,000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, 1,000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड हवा रिलीज करेगा। सो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर हवा साफ ये कर पाएगा। क्योंकि ये नई तरह की तकनीक है, इसको एक तरह से एक्सपेरिमेंटल तौर पे देखा जा रहा है। हम लोग आने वाले समय में इसके ऊपर लगातार आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे वो लोग इस डेटा को एनालाइज करेंगे और ये बताएंगे कि ये कितना इफेक्टिव है। अगर ये काफी इफेक्टिव होता है तो फिर इस तरह के कई सारे टावर पूरे दिल्ली के अंदर लगाए जा सकते हैं। इसे टाटा ने, टाटा कौन सी, टाटा प्रोजेक्ट्स ने इसको बनाया है। एनबीसीसी ने इस पे पूरा कंसल्टेंसी दिया है और ये आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे की देखरेख में बनाया गया है, दिल्ली सरकार ने बनवाया है। तो मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा ये प्रयास है, और जिस तरह से पिछले कुछ सालों में दिल्ली में हर क्षेत्र में प्रयास हुए, हवा को साफ करने के भी काफी प्रयास हुए हैं। 2014 में जितना प्रदूषण होता था, PM10 का जो लेवल था, PM2.5 का जो लेवल था, वो अब काफी घट गया है। जैसे PM2.5 ही 2014 में 150 के करीब था, अब घट के 100 के करीब आ गया है। उसी तरह से PM10 जो है वो लगभग 300 के करीब था, अब घट के वो 150 के करीब आ गया है। तो काफ़ी कम हुआ है, ऑलरेडी काफ़ी कम हुआ है। कई सारे कदम दिल्ली के लोगों ने मिलके लिए हैं और अब ये वाला जो आज कदम लिया गया है, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। देखते हैं, वो हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं वो सच हो, लेकिन नए नए प्रयास करने चाहिए। हमने ये नया प्रयास किया और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इस तरह के और कई सारे लगा सकते हैं। अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर और नहीं, और दूसरी कोई तकनीक लेके आएंगे। डेटा एनालिसिस शुरू तुरंत हो जाएगी। टोटल 2 साल तक माना जा रहा है इसको एनालाइज करेंगे, लेकिन इनिशियल ट्रेंड्स कब तक आने चालू हो जाएंगे? एक महीना, 1 महीने के बाद। मैं भी अभी इनसे यही पूछ रहा था उधर, मैं कि भाई कब तक पता चल जाएगा। मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ कि कब तक पता चल जाएगा कि सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए और कितने सक्सेसफुल हुए।